हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर अवधेश राणा आज फिर हाजिर हूँ एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि एक सिंपल गांठ और एक कैंसरस गांठ को कैसे पहचानें। तो दोस्तों, अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने इस हेल्थ यूट्यूब चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, अब अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं कि गांठें कितनी प्रकार की होती हैं। गांठें मुख्यतः जो है दो प्रकार की होती हैं, एक होती है बेनाइन ट्यूमर और दूसरा होता है मेलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर जिसको कि हम सिंपल ट्यूमर भी बोलते हैं, और एक मेलिग्नेंट ट्यूमर जो दूसरा होता है उसको जो है हम कैंसरस ट्यूमर भी बोलते हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि इनके बीच में जो है क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, जिसको कि आप अपने घर पे या कहीं भी जो है करके जो है इस गांठों को पहचान सकते हैं। सबसे पहला सिम्टम जो होता है कि ये पूरे शरीर में कहीं भी हो सकती हैं, चाहे वो सिंपल गांठ हो यानी कि बेनाइन ट्यूमर हो, या फिर वो कैंसरस ट्यूमर हो यानी कि मेलिग्नेंट ट्यूमर हो, ये दोनों पूरे शरीर में कहीं भी हो सकते हैं। दूसरा सिम्टम होता है कि जो बेनाइन ट्यूमर होता है यानी कि सिंपल गांठ जो होती है उसमें दर्द हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन वहीं पर कैंसरस ट्यूमर है तो उसमें दर्द हमेशा बना रहेगा। तीसरा सिम्टम होता है कि जो एक सिंपल ट्यूमर होता है उसमें किसी तरह का बुखार नहीं आता है, लेकिन अगर आपको कैंसरस ट्यूमर है तो आपको बुखार हमेशा बना रहेगा। इसी के साथ साथ जो है आपको बेनाइन ट्यूमर में यानी कि सिंपल ट्यूमर में किसी तरह का कोई सिर दर्द, उल्टी या मिचली नहीं होगी, लेकिन वहीं पर अगर कैंसरस ट्यूमर में देखा जाए तो सिर दर्द भी होगा, उल्टी भी होगी और मिचली भी उसके अंदर पाई जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं अगले सिम्टम की तरफ। अगला सिम्टम जो होता है सिंपल ट्यूमर में यानी बेनाइन ट्यूमर में किसी तरह का जो है वजन नहीं गिरता है, लेकिन अगर आपको कैंसरस ट्यूमर है तो उसमें जो है वजन बहुत तेजी से गिरता है, और साथ ही साथ कैंसरस ट्यूमर में जो है आपकी भूख बिल्कुल खत्म हो जाती है यानी लॉस ऑफ एपेटाइट होती है। वहीं पर अगर आपको सिंपल ट्यूमर होगा तो वहां पे आपको भूख अच्छी लगती रहेगी। ये कुछ सिम्टम्स थे जो कि मैंने जो है अलग अलग दो कैटेगरीज में डिवाइड किए कि ताकि आपको अच्छी तरह से बात समझ में आ जाए कि एक गांठ जो है वो सिंपल गांठ है या फिर वो कैंसरस गांठ है, ताकि आप जो है किसी पैनिक कंडीशन में ना आए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये गांठें होती क्यों है। इनमें सबसे पहला कारण जो होता है इंजरी, अगर आपको कहीं चोट लग गई है तो ये गांठें हो सकती हैं, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग या अल्कोहल लेते हैं, या फिर आप हाई एक्सपोजर टू द सनलाइट या किसी तरह के रेडिएशन में हैं तो ये गांठें हो सकती हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में रहते हैं तो भी इनके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर आप ऐसा काम करते हैं या किसी तरह से आप किसी केमिकल टच में हैं तो आपको जो है ये होने के चांसेज हैं, और साथ ही साथ अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है तो फिर आपको जो है ये जेनेटिक भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, गांठों से रिलेटेड ये कुछ समस्याएं थी जो मैंने आपको जो है शेयर किया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इंफॉर्मेशन आपको काफी अच्छी लगी होगी। अब बात करते हैं कि इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन क्या हो सकती हैं गांठों के लिए, लेकिन इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप अपने गांठों को पहचानते हैं, और जैसा कि मैंने कैंसरस गांठ के सिम्टम्स बताए और वो सिम्टम्स आपको नजर आ रहे हैं, तो फिर आपको जो है किसी कुशल चिकित्सक से मिलने की जरूरत है, ताकि आपका जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराया जा सके और इस बात को कंफर्म किया जा सके कि क्या आपके बॉडी के अंदर किसी तरह का कोई कार्सिनोमा या किसी तरह की कैंसरस सेल डेवलप हो रही हैं। अगर ऐसा कुछ है तो फिर आपका जो है फर्दर ट्रीटमेंट किया जाएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि यह एक सिंपल गांठ है, जैसा कि मैंने सिंपल गांठ यानी बेनाइन ट्यूमर के लिए जो है सिम्टम बताए, अगर ऐसा कुछ है तो फिर आपको जो है होम्योपैथी में कुछ दवाइयां हैं जिसको कि आप ले सकते हैं और उससे वो जो है बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी। इन दवाइयों में सबसे पहली दवा जो आती है कोनियम मैक आती है। कोनियम मैक 200 की पोटेंसी में जो है आप एक एक बूंद सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम ले सकते हैं। इसी के साथ साथ एक दूसरी दवा आती है स्क्रोफ्लेरिया नोडुसा की मदर टिंचर। इस दवा का मदर टिंचर जो है आप जो है कॉटन में लगा करके जहां पे गांठे हैं
उसके ऊपर अच्छी तरह से रब कीजिए, यानी कि बढ़िया से उस पर लगाइए। इसको भी जो है आप सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम करिए। इन दवाओं को आप जो है लगभग एक महीने तक लीजिए और एक महीने में आपकी ये गांठें सही हो जाएंगी। अगर ये गांठें सही नहीं होती हैं तो फिर आपको जो है तुरंत किसी कुशल चिकित्सक से मिलने की ज़रूरत है, ताकि आपका वो जो है आगे का फर्दर ट्रीटमेंट कर सकें और आपकी गांठें सही हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ होम्योपैथिक अप्रोच थी गांठों को लेकर के, और यह इन्फॉर्मेशन आपको जो है मुझे पूरी उम्मीद है कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और कहीं ना कहीं आपको लाभकारी जरूर सिद्ध होगी। लास्ट में मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपने इस पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।